हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास कोई भी सैंपल हम लोग सप्लाई करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी गिफ्ट हम लोग देते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी इम्प्लीकेशंस आएंगे। और साथ ही साथ अगर हमने बाय वन गेट वन फ्री कोई भी स्कीम निकाली तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी इम्प्लीकेशंस आएंगे। क्योंकि गाइस, अगर आजकल हम मार्केट में देखें तो बाय वन गेट टू, बाय वन गेट थ्री तक की स्कीम्स भी आई हुई हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आपने फ्री दी, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे फ्री सैंपल्स वाला टॉपिक कि अगर हमने फ्री सैंपल्स के तौर पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की या एज अ गिफ्ट हमने कोई भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो रीड करेंगे हम सबसे पहले, सप्लाई विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वो सप्लाइज जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन कर रहे हैं, इनको हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसे हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। आप सिर्फ ये पढ़ के खुश मत होइएगा, आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटीज फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल वन। अब इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहली लाइन जब हमने देखी तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि इसे हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। सबसे पहली बात, इसे सप्लाई क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई के डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि कोई भी सप्लाईज हो वो मेड और अग्रीड टू बी मेड इन कंसीडरेशन, मेड और अग्रीड टू बी मेड इन कंसीडरेशन, यानी कंसीडरेशन होगा तो हम सप्लाई मानेंगे, कंसीडरेशन नहीं है तो हम सप्लाई नहीं मानेंगे। और अगर किसी गुड्स को सप्लाई ही नहीं माना जाता तो उसे हम जीएसटी भी नहीं लगाते, वहां जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल वन, यानी वो जो एक्टिविटी है अगर शेड्यूल वन के अंतर्गत आती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब शेड्यूल वन क्या है, शेड्यूल वन के अंदर वो एक्टिविटीज आती हैं जिन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं लेकिन फिर भी इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई होगा, हमारे पास शेड्यूल वन का पैरा वन एप्लीकेबल होगा। शेड्यूल वन का पैरा वन क्या कहता है कि हमने कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दी, परमानेंटली ट्रांसफर की, और उसके ऊपर हमने आईटीसी अवेल कर लिया था, उसके ऊपर हमने आईटीसी अवेल कर लिया था, आईटीसी ले लिया था। और अगर हमने किसी एसेट को ट्रांसफर किया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया, जिसके ऊपर आईटीसी हमने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, तो इस केस में हमें उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। यानी अगर आपने जो फ्री सैंपल्स सप्लाई किए या गिफ्ट्स आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए, इसके ऊपर अगर आपने आईटीसी पहले क्लेम कर लिया था तो अब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ही इसका जीएसटी क्लेम नहीं किया तो आपके ऊपर, आपको अब इसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाऊं तो बहुत अच्छे से बता पाऊंगी। आप ये चार्ट देखिए बड़े ध्यान से। जैसे मैं बात करूं, आपने फ्री सैंपल्स दिए, आपने फ्री सैंपल दिए, मैं इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगी। एक तो आपने उसके ऊपर आईटीसी पहले से क्लेम कर लिए थे, दूसरा पार्ट हम ये लेंगे कि आपने आईटीसी जो है वो क्लेम नहीं किए थे, आईटीसी आपने नहीं लिए उसके। अगर आपने उसके आईटीसी ऑलरेडी लिए हुए हैं तो शेड्यूल वन पैरा वन यहाँ स्ट्राइक हो जाएगा, इसके बाद इसके ऊपर जीएसटी आप लोगों को फिलहाल पे करना पड़ेगा। अगर पहले आपने इसके ऊपर जीएसटी क्लेम नहीं किए थे, यानी आपने अपने आईटीसी जो है वो छोड़ दिए थे, तो अब यहाँ पर आप उसे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स दी या गिफ्ट्स के तौर पे गुड्स दी तो आपको ये दो कंडीशंस इसमें चेक करनी है कि आईटीसी पहले लिया था या आईटीसी पहले नहीं लिया था। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे जो सेकंड हमारा टॉपिक है, बाय वन गेट वन फ्री वाला टॉपिक। बाय वन गेट वन फ्री के अंदर आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट फ्री दी कस्टमर को। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है, इट मे अपीयर एट फर्स्ट ग्लांस दैट इन केस of others like buy one get one free, देख करके भी वो लगता है कि आपने ये buy one get one free दिया, लेकिन actual में क्या है, जो आपने goods supply किए ना free of cost,
उसकी वैल्यू ऑलरेडी दूसरी गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है जो कि आपने उसको बेची है, यानी जिसके साथ आप दूसरी गुड्स फ्री दे रहे हैं. इन फैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स बट अ केस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई. ये हमारे पास क्या है, एक साथ दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई है, वेयर अ सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज्ड फॉर अ एंटायर सप्लाई. यानी सिंगल प्राइस हमने क्या किया है, एंटायर सप्लाई के लिए चार्ज किया है. इट कैन एट द बेस्ट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ टू गुड्स फॉर द प्राइस वन. यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुड्स हैं, आपने दो गुड्स सप्लाई की हैं, लेकिन प्राइस आपने उसका एक सिंगल ही लिया है. एक सिंगल प्राइस के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, दो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी. तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक गुड्स के साथ एक गुड फ्री की, आप ये कह सकते हैं कि एक ही प्राइस के अंदर आपने दो गुड सप्लाई की, यूनिट्स आपकी दो ही गई. तो यहाँ पे जो आपने प्राइस चार्ज किया है वो दोनों का कंसिडरेशन माना जाएगा और उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी. तो ये गाइस हमारी इससे रिलेटेड सारा डाटा मैंने आपको दिया, फ्री सैंपल से रिलेटेड, बाय वन गेट वन फ्री से रिलेटेड. गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.